उत्तर भारत में ठंड का सितम। दिल्ली एनसीआर में अंधाधुंध। विजिबिलिटी कम, लुढ़का पारा। ठंड और कोहरे का डबल अटैक। उत्तर भारत में पिछले दो तीन दिन से ठंड ज्यादा बढ़ गई है और कोहरे से दिल्ली एनसीआर में अंधेरा छाया हुआ है। दिल्ली में कोहरे में इंडिया गेट ढक गया है, नोएडा में भी विजिबिलिटी बेहद कम है। ऐसा ही हाल अमृतसर का भी नजर आ रहा है। तो तीन तस्वीरें दिल्ली, नोएडा और अमृतसर की आप देख सकते हैं। घने कोहरे की वजह से पारा लुढ़क गया है और विजिबिलिटी बेहद कम दिख रही है। तो कड़ाके की सर्दी आप कह सकते हैं कि पूरे उत्तर भारत में पड़ रही है और कोहरे का कहर दिख रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। आपको दिल्ली और अमृतसर की कोहरे की तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली में जहां कोहरे को लेकर आज भी ऑरेंज अलर्ट है, वहीं अमृतसर समेत उत्तर भारत में कोहरे की चादर ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड के बाद कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजू राज की रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कहर जारी है, जो विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। सुबह का वक्त है जहां विजिबिलिटी आपको 100 मीटर से ज्यादा नजर नहीं आएगी। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि राजधानी दिल्ली में आने वाले कुछ समय ऐसे ही कोहरे का सितम जारी रहेगा, इसलिए राजधानी दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे का सीधा असर हवाई यात्रा, रेल यात्रा और सड़कों पर देखने को मिल रहा है। लगभग 2 दर्जन से भी ज्यादा ट्रेनें लेट से चल रही है, कई फ्लाइट को डिले किया गया है क्योंकि रनवे पर जो विजिबिलिटी है काफी कम है, जीरो तक पहुंच गया। और अभी तस्वीरें देखिए, जो गाड़ियों की रफ्तार है वो काफी थमसी गई है क्योंकि गाड़ियां धीरे धीरे चल रही है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि आने वाले कुछ समय में राजधानी दिल्ली और पूरे उत्तर भारत में इसी तरह कोहरे का सितम जारी रहेगा और इसका सीधा असर आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। वहीं राजधानी रांची में कोहरे का असर दिखने लगा है। सुबह कोहरे की चादर फैली होने की वजह से विजिबिलिटी बेहद लो हो गई है। इसका बड़ा असर सेवा विमान परिचालन पर पड़ रहा है। राजधानी रांची से विभिन्न स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले विमान देरी से उड़े, वहीं कोलकाता, पुणे और मुंबई से आने वाली सेवा भी प्रभावित हुई। इसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। तो तमाम जो विमान है वो देरी से उड़ रहे हैं, इसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। और केवल रांची ही नहीं, अलग अलग शहरों में उत्तर भारत की इस वक्त कड़ाके की सर्दी और कोहरे के कारण जो तमाम विमान हैं, वो फ्लाइट हैं, वो देरी से चल रही हैं। भैया को रिसीव करने आया था, अभी टाइम पे शेड्यूल जैसा अराइवल टाइम 8:10 दिखा रहा है, बट अभी तक कोई टाइमिंग फाइनल नहीं हुई है, सूचना दी गई है, कोई सूचना तो नहीं मिली अभी फिलहाल। राजधानी रांची में बदलते मौसम के कारण जो विमान परिचालन है उस पर असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि सुबह से ही राजधानी रांची घने कोहरे चादर से ढकी हुई है और जिसका असर कह सकते हैं कि सेवा विमानों पर पड़ा है। अभी तक हम बात करें जो सेवा विमान इंडिगो की जो कोलकाता से आती है नहीं पहुंची है। इसके अलावा जो पुणे से आने वाले इंडिगो की विमान है वो भी लेट चल रही है। साथ ही साथ जो मुंबई से जो सेवा विमान आनी है वो भी देरी से चल रही है। तो जो घने कोहरे के चादर की वजह से आज कह सकते हैं तकरीबन जो सुबह से चलने वाली जो सेवा विमान है वो प्रभावित हो रही है और जो ह्यूमिडिटी है वो लगभग 75% बताया जा रहा है। साथ ही साथ जो 13 किलोमीटर जो है विजिबिलिटी है ये सामान्य होने तक कह सकते हैं कि यात्रियों को परेशानी झेलनी होगी। चूँकि सेवा विमान जो यहाँ दूसरे राज्यों से यहाँ आती है, दूसरे एयरपोर्ट से यहाँ आती है, वो विलंब से पहुंचेगी तो यहां से जो टेक ऑफ करने फ्लाइट टेक ऑफ में भी देरी होगी। अपने सहयोगी राहुल दीक्षित के साथ आयुष सिंह।